नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर जतिन प्रजापति, महासचिव उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन। और आज है 16 मार्च नेशनल वैक्सीनेशन डे, और आज हम आपको लेकर चलते हैं आरएनटी मेडिकल कॉलेज के वैक्सीनेशन सेंटर के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर महेश उपाध्याय सर के पास, और उनसे जानते हैं कि वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की शुरुआत 16 मार्च 1995 को हुई थी। 16 मार्च के दिन ही भारत में प्रथम बार पोलियो की खुराक दी गई। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में हुए कोविड पैंडेमिक में वैक्सीन का ही मेन रोल रहा है उसको कंट्रोल करने में। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय महाराणा भोपाल में जो बाल चिकित्सालय है, उसमें नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंतर्गत सारी बच्चों के लगने वाली वैक्सीन्स मुफ्त में लगाई जाती है। आमतौर पर माना जाता है कि जो टीकाकरण है केवल बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि ऐसा नहीं है। वयस्कों के लिए भी टीकाकरण उतना ही महत्वपूर्ण है। कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के अंतर्गत जो नई ओपीडी है उसमें वयस्क टीकाकरण केंद्र संचालित है, जिसमें एंटी रेबीज क्लिनिक और वयस्कों के लगने वाली वैक्सीन्स जैसे कि सर्वाइकल वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, टाइफॉइड वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन आदि के बारे में भी उचित परामर्श चिकित्सक से लिया जा सकता है। आज के दिन मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों के साथ साथ अपना खुद का भी पूर्ण टीकाकरण और सही समय पर कराएं, बीमारियों से बचें, जागरूक बनें और जिम्मेदार बनें।